आंटी जी कहाँ गई? क्या कहा? आसान उर्दू में बात कर, हमारी अंग्रेजी तेरे से भी हाई है। जी टीस अनएजुकेटेड लोग क्या कहते हैं। चाय जी, मैं चाय लेकर आई हूँ। ए सीन फिर नाजुक, तुझे किसने कह दिया कि हम चाय पीते हैं? आंटी जी आप चाय पीती, हर बार आपके लिए चाय बना बना के लाती हूँ, झूठी कर करके मैं पिलाती तो हूँ आपको चाय। ये चाय नहीं, खून पीती हूँ, खून। खून, खून। मैं अधेड़ उम्र शख्स का खून पीती हूँ। ये ठीक है, अभी आएंगे दो छिचोरे अधेड़ उम्र आते हैं, वो यहाँ पर जरूर आएंगे, आपका शिकार आपको मिल जाएगा। लेट मी गो, मुझे वैसी आयरन की कमी है, क्या मैं चली जाऊँ आंटी चुड़ैल? मेरे साथ रिश्तेदारी निकालने की जरूरत नहीं है। तू अगर मेरे सामने दोबारा आए तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। अगर तू अपनी जिंदगी चाहती है तो हमेशा बुरके में रहना, अगर तेरा चेहरा जरा सा भी किसी को नजर आ गया तो तू अपनी जान से गई। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मैं जाऊं जी, मैं जाऊं। और ये लो भाई, मैंने कर दिया साइन। ए भाई लाइए, शुक्रिया भाई। कमाल की बात है, आपने इसको चेक दे दिया, हालांकि इसको फ्रूट वाला फ्रूट चेक करने के लिए नहीं देता, कहीं चेक के बहाने खा ही ना ले। अरे भाई चेक मास्टर को वापस करो, क्रॉस चेक है तुम्हारे, किसी काम का नहीं है, उसका नाम लिखा हुआ है तो दिखाइए। वाला हाल वाला को ले पकड़ा यार, चेक कर लो भाई इसमें सारे जीरो पूरे हैं या नहीं। जीरो तो पूरे हैं, लेकिन तीन झिफरे पीछे की तरफ क्यों है भाई? असल में जो पीछे वाले तीन जीरो है वो आगे वाले तीन जीरो को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। अगर आप लोग की इक्वेशन बैलेंस हो गई हो तो हमारा कमीशन दे दिए। किस बात का कमीशन? अरे भाई हमारा इश्तेहार था, वो देख के आप आए, आपने मकान खरीदा और बेचा तो कमीशन क्या गया? नहीं नहीं नहीं, मैंने अखबार से इश्तेहार नहीं पढ़ा, मैं तो गली से गुजर रहा था, मैंने मकान देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने बैल बजाई, ये बाहर आया, हमारा सौदा हो गया। किस कदर झूठ बोलता है, अपने दाढ़ी का तो लिहाज करो कुछ। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, और मैं अखबार पढ़ता ही नहीं हूँ, उर्दू अखबार तो खासतौर पर नहीं पढ़ता। भाई हमारा आपको पसंद आना ही था, मकान इतना खूबसूरत है, कमरे ऊपर है, चार नीचे है, टूटियां लगी हुई है, लोग क्या कमाल किस्म का बाथरूम है। अगर टूटियां उठिया हो गई हो पूरी तो हमारा कमीशन दे दिए। भाई भाई इससे लो कमीशन, इससे बेचा तो भाई वो भी देंगे, आप भी देंगे, उन्होंने बेचा आपने खरीदा, कमीशन तो दोनों में लिखा ना। अच्छा एक काम करो, किराएदारों से नए मालिक मकान का तारुफ कराओ, तारुफ अच्छा कराओगे तो किराए में से तुम्हें कमीशन दिया करूंगा। कमीशन मैं उसको दूंगा जब अगले साल किराया बढ़ाऊंगा ना, तब उसमें कमीशन दूंगा, ठीक है? तुम भी निकलो चलो, और उस गली से गुजरना नहीं अब। अरे मुझे भी नहीं पता, थोड़ी देर सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो भी जिसपे आया ना सब सेट हो जाएगा। क्या? अरे हर एपिसोड में तुम्हारी मम्मा कुछ ना कुछ बन जाती है, इस बार भी कुछ बन गई होंगी, सब सेट हो जाएगा, फिक्र मत करो। इस बार ऐसा नहीं है, वो ना बहुत पुरानी पुरानी बातें कर रही है, बल्कि हजारों साल पुरानी बातें कर रही है। अरे कोई पुरानी बातें नहीं कर रही होंगी, अपने बचपन की बातें कर रही हूँ मैं तुमसे, कह रहा हूँ ना थोड़ी देर सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई अजीब आदमी हो, मुझे पार्क में छोड़ के आ गए और यहाँ बातें सुन रहे हो? ये भाई ये जो है हमारे वो नए मालिक मकान है यहाँ के आपके, हाँ इन्होंने मकान खरीद लिया, वो खुजली उनसे ना, तो अब किराया ये वसूल करेंगे। मालिक, मकान मालिक। ये तो शक्ल से अपनी मर्जी के मालिक नहीं लग रहे। बात तो सही है। ये बताओ तुम में से आंटी गुलनास, तुम तो बहुत छोटी और क्यूट सी हो, तुम नहीं हो सकती, तुम आंटी हो। मेरा नाम है चंदा बाबू, मैं यहाँ पर मुलाजिम हूँ, यहाँ पर जॉब करता हूँ, और अगर आपको आंटी से मिलना है ना तो आप अंदर तशरीफ ले जा सकते हैं मालिक मकान। हाँ हाँ, आंटी से आपको मिला देंगे, पहले हमारा बुलाइए कमीशन। अरे भाई एक बार किराया मिलने तो फिर दे देंगे तुम्हारा कमीशन। किस चीज का कमीशन? हमने किराए पे मकान वो किराए पे किराया बेचा है ना इनको, तो हम एजेंट है, हमें कमीशन नहीं मिलना चाहिए। वैसे नाम क्या था आपका? हशु। अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल मट्टी है नाम नाम है। हशु नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुंह पे हाथ रख के ठीक थे, नाम बताइए आप ठीक है जा रहे हैं? हशु। अबे नाम बताओ ठीक क्यों रहा है? अरे नाम ही बता रहा हूँ अशमत, मेरा नाम है, प्यार से हशु हशु बोलते हैं। हमें क्या पता, आयो अच्छू मालिक के मकान। आइए आइए आइए। अरे क्या तरीका, ये दरवाजा खोलो। ए दरवाजा खोलो। दरवाजा बंद ही रहने दीजिए। अच्छा
आप कहती हैं तो बन ही रहने देता हूँ। वैसे मैं आपको ये बताने आया था कि मैं नया मालिक मकान हूँ, मेरा नाम अशु है, मैंने मास्टर खुजली से मकान खरीदा है, बस इतना सा तारुफ देना था। आप मेरे मकान के नहीं दिल के भी मालिक हैं। अरे कमाल करती हैं आप, आपने तो हमें अपनी दिल की मलकियत ही दे दी। खैर वो बातें तो होती रहेंगी, एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए ताकि मैं आपको पहचान लूं और आप मुझे पहचान सके। नो प्रॉब्लम, आई विल रिकॉग्नाइज यू एंड यू विल रिकॉग्नाइज मी। OMG, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश, लगता है आपने ओ लेवल से पढ़ा है। मैंने ओ नहीं, मैंने जी लेवल से पढ़ा है। हेलो, हाउ आर यू? कौन है आप? हाथ से मिलाए? अरे औरतों से हाथ मिलाता नहीं हूँ वैसे। मैं है थोड़ी हूँ आपकी अपनी, हाथ मिला। उल्टा हाथ है, उल्टा हाथ है। मिलाते कि नहीं मिलाते? उल्टा हाथ मिलता है। मेरी बात सुने, मैं मालिक मकान हूँ, मैं सिर्फ किराए का बताने आया था। अगले महीने से मैं किराया लेने आऊंगा, बल्कि अगर आप बोलेंगे तो नहीं आऊंगा। जिन ठीक हो जाए तो मुझे बुलाइएगा। मुर्दों के कफन चोरी करके कपड़े सिलवाने वाले आदमी, तू क्यों आया यहाँ पे? हम तो मालिक के मकान को मिलाने लाए थे। आप कौन है? मैं रानी। देखो मेरे हुस्न से तुम घबरा गए ना। ये आप ना मेहरा में हमारी है, हम जब गुलनाज से मोहब्बत करते हैं बस। अच्छा, इसका मतलब हमसे नफरत करते हो? नहीं, आप ये कह रहे हम जो गुलनाज से मोहब्बत करते हैं, आप किसी को काफ के जिनसे कर लीजिए ना मोहब्बत। आप बोले आदम, आप देखी है? हाँ देखी बोले आदम, तुम चलो हमारे साथ फिल्म देखने चलो। आप हमारा काम कर दीजिए, आप गुलनाज हमें दिलवा दीजिए, आप जो कहेंगे हम कर लेंगे। बताइए, तुम अभी अभी जाओ ताजा खबर की मट्टी लेकर आओ, ताजा खबर की, फिर गुलनाज तुम्हें दे देंगे, हम पकड़ देंगे। और अगर हम मट्टी ना ला सके तो फिर हम तुम्हारा घर पूरे घर को भूत तुम नीचे कैसे आ गए? तुम तो ऊपर थी अभी। देखिए जी, मैं तो बाहर ही थी, आउट ही थी, अभी एंटर हुई हूँ। मैंने अभी ऊपर देखा, तुम अपने कमरे में थी ऊपर। आपको जी गलत फहमी हुई है। मेरे करीब बताना। ओ अंकल, मुझे कोई शौक नहीं है तेरे करीब आने का, समझा? अच्छा अच्छा, अगर तुम वो नहीं हो तो अपना चेहरा दिखाओ मुझे। देखिए जी, मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गया, अगर मैंने अपना ब्यूटीफुल फेस किसी को शोज कर दिया ना तो मेरी डेथ हो जाएगी। नहीं, तुम गलत कह रही हो, अगर तुम्हारा चेहरा मैंने देख लिया ना तो मेरी डेथ हो जाएगी मेरी। हाँ, तेरा क्या मतलब है कि बच्चा करूँ? तूने देखा मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, अभी शो कर आती हूँ। नहीं, 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 अच्छा हुआ मेरा फेस देखने से पहले बेहोश हो गया, वरना मैं तो डेथ हो जाती। करना पड़ता है इश्क, किससे इश्क हो गया भाई? देखा नहीं क्या? हाँ देखा, उससे पहले बेहोश हो गया। अबे चुप कर, वो क्या ऊपर? हाँ, उससे? हाँ। पागल हो गया हो क्या? क्यों, उसमें देखा क्या तुमने ऐसा? अरे इश्क में आदमी अंधा हो जाता है, इश्क तो आंखों में होता है। हमारी आंखों में तो मोतिया नजर आ रहा है।
क्या मतलब? छोटी देखो शक्ल सूरत अल्लाह बनाता है, लेकिन एज डिफरेंस बहुत है बेटा। चलेगा चलेगा चलेगा। अरे नहीं चलेगा, बहुत डिफरेंस है। अरे चलेगा ना, मैं कह रहा हूँ चलेगा यार। तुम कुछ कर सकते हो तो करो, वरना चुपचाप अपना रास्ता नापो। हाँ नहीं कर तो सकता हूँ, इतना मुश्किल मसला तो नहीं है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? माननी नहीं, वो नहीं माननी। इस साल में इतने नखरे साल को क्या हो? बिल्कुल ठीक है, ये ठीक लग रही थी। लोगों को पता नहीं कैसे कैसे इश्क हो जाए। चलो मुझे अनार का शरबत पिलाओगे ना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हो सकता है। किस खुशी में अनार का शरबत? शादी करनी है। हाँ पिलाओ। और शरबत दीजिए। नहीं नहीं, मेरी पसीना बहुत निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गई है, उससे खून बनता है। चलो आओ। देखो तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है। पब्लिक से कोई टॉल डार्क कोई हैंडसम आदमी शादी करेगा। टॉल डार्क अपनी बात कर रहा है। देखो बेटा बात ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ टॉल डार्क हैंडसम। अफ्रीका चले जाओ, पूरा अफ्रीका भरा पड़ा है ऐसे लोग। मामा आपको क्या हो गया? किसकी अम्मा? कौन सी अम्मा? मैं आपकी बेटी हूँ, आप याद कीजिए ना। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो नहीं सकती, मैं तो अपने बच्चों को पैदा होते ही खा जाती हूँ। आंटी पार्लर वाले, आंटी पार्लर वाले, आंटी पार्लर वाले। ये क्या कर रहे हो? इससे ज्यादा झटका आ जाएगा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, ये मत करो। ये नहीं करो, अच्छा नहीं लग रहा। ये नहीं करो, छोड़ो इसे। जूस जब तक आ रहा है जब तक दबा दूं ना। नहीं नहीं उसकी जरूरत, वो वाली दे दो। अरे नहीं करो, नहीं अच्छा लग रहा भाई। अरे नहीं आएगी, बस आप एक दफा मेरा काम कर दे, ऐसी मालिश करूंगा खुश हो जाएंगे। खुश करना है तो किसी मसाज पार्लर का नंबर ही दे दो। मेरा मतलब था कि चल भाई भागता हुआ नजर आ। ये बताओ बेटा तुमने कभी अनार देखा है? हाँ देखा है। किस कलर का होता है अनार? रेड रेड। बेटा ये तो ग्रीन कलर का है, किसी एंगल से तुम्हें ये अनार का जूस लग रहा है। एक दफा मेरी शादी करा दो, जितने भी लाल फ्रूट है ना सबका जूस तुम्हें पिलाऊंगा। तरबूज, स्ट्रॉबेरी, अनार और क्या गाजर, सबका। बहुत झूठे आदमी हो, बहुत झूठे आदमी। ये बताओ तुम्हें नहीं लगता उम्र थोड़ी ज्यादा है? नहीं नहीं मैं लगता 30-32 का हूँ, उम्र तो मेरी 26 है। अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा, उसकी बात कर रहा हूँ। अरे वो तो 19 सिर्फ। 19 की? नहीं 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 नहीं, मेरे हिसाब से तो कम से कम 42-43। किसकी बात कर रहा है तू? भाई वो गुलनाज आंटी जो किराएदार है उनकी बात कर रहा हूँ। अब तेरी गुलनाज आंटी के बच्चे में। मैं बबली की बात कर रहा हूँ जो मेरे बराबर में बैठी हुई थी। नहीं नहीं बबली से तो मैं शादी करूँगा। बबली से शादी करेगा तू? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि बबली से कोई टॉल डार्क कोई हैंडसम आदमी शादी करेगा। टॉल डार्क अपनी बात कर रहा है। देखो बेटा बात ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ टॉल डार्क हैंडसम। अफ्रीका चले जाओ, पूरा अफ्रीका भरा पड़ा है ऐसे लोग। बबली से सिर्फ मेरी शादी होगी। किसकी? मेरी। बबली के मुतालिक अगर सोचने की भी कोशिश की ना तो तेरी टोपी चश्मा दाढ़ी खींच के भाग जाऊंगा। ठीक है ठीक है। टॉल डार्क हैंडसम, समझ गया समझ गया। सुनो ये दोनों मैं भी लूं? हाँ दोनों। लो सर पैसे दे। ये नहीं चचा पैसे। नहीं पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास हैं। अरे आपको नहीं मुझे चाहिए जूस के पैसे। और वो देकर नहीं गया? नहीं ना, कोई भी नहीं देके गया। झूठा आदमी था भाई। कुछ बात बताओ, तुम तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हो, ये क्या काम कर रहे हैं? बस क्या बताऊँ मैं। बताओ बताओ ये जूस पियो और बताओ। अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं, इंजीनियर हूँ, मगर जॉब ही नहीं दी तो सोचा यहाँ काम कर लूँ। यही तो तुमसे गलती हुई कि तुम पढ़ लिख गए। अगर मैट्रिक पास होते तो वजीर आजम होते, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो यही काम करना पड़ेगा। पियो पियो जूस पियो जूस पियो, बहुत मजे का और मेहनत किया करो भाई। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। मैं मैट्रिक पास में होता तो सदर होता, और इंजीनियर हूँ तो जूस बेच रहा हूँ। तो क्या कह गया ये? ओ भाई अगर तू अपनी जिंदगी चाहती है तो हमेशा बुरखे में रहना। अगर तेरा चेहरा जरा सा भी किसी को नजर आ गया तो तू अपनी जान से गई।
शहजादगी जो तेरे ख्वाबों में आया करती थी, अब हकीकत में देख के बता कैसा लग रहा है मेरे हुस्न का लश्कारा। अगर ऐसी चीज हम लोग ख्वाबों में देख लेना तो हम लोग सबका देते हैं। मुझे नजर नहीं लग सकती कभी भी इतनी हुसीनों में, और मेरी जिंदगी में आ जाएगा ना तुझे भी नजर नहीं लगेगी कभी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, भाग जाऊँ। नहीं, अगर तुम्हें तेरे खून भी जाऊंगी, खून खून। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुका ना तो दहशत से मर जाऊंगा। बस एक शरत पे तू जा सकता है यहाँ पे, तू अपने गुरु को लेके आ जा, वो मुझे डांस दिखाए, मुझे गाना सुनाए, लगन लागी तोरी। और अगर नहीं लाया तो गया अपनी जान से, खा जाऊंगी तुझे। और बात सुन, तेरा वक्त शुरू होता है अब, और तेरे पास कोई लाइफ लाइन भी नहीं है, और 1 करोड़ भी नहीं मिलेंगे, मैं जा रही हूँ। चंदा बाबू, क्या हुआ? क्या बकवास कर रहा, मैं कुछ समझ नहीं रही। बकवास नहीं कर रहा, बस बस मुझे 200 रुपए दे दे, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज। 200? मगर क्यों, मुझे कुछ समझाओ ना। मैं बाद में समझा दूंगा, प्लीज मुझे 200 रुपए दे दे। अच्छा अच्छा, उधर देखो। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चंदा बाबू, मामा आपको क्या हो गया? किसकी अम्मा, कौन सी अम्मा? मैं आपकी बेटी हूँ, आप याद कीजिए ना। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो नहीं सकती, मैं तो अपने बच्चों को पैदा होते ही खा जाती हूँ। तू अगर हमारी बेटी है तो तुझे हॉरर फिल्में देखनी पड़ेंगी, हॉरर हॉरर फिल्में। मगर क्यों? अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो खत्म हो जाएगी तुम्हारी कहानी। ठीक है, चली गई। मुझसे बड़ी भी कोई चुड़ैल है यहाँ पे? अल्लाह, भूत 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 भूत। พี่คะให้หนูกลับไปถ่ายต่อเถอะผมเสียใจด้วยนะครับคนไข้เสียชีวิตแล้วฮัลโหลฮัลโหลชินน้องเก๋ตายแล้วว่ะมึงว่าไงนะให้ทำไมทำไมWhere you go Bangkok ไปพี่อย่าไปรับเลยतो हम पहले थे, अब तो हम ठीक हो गए। ये देखिए, हम ले आए आपके लिए। ये क्या है? ये कवर की मिट्टी। अरे ये किसने मंगवाई थी, क्यों लाया? आप ही ने मंगवाई, वो कहाँ गया, मुझे पहना हुआ था सारा। क्या हो गया? आपने मंगाई थी कब्र की मिट्टी, मंगाई थी कि नहीं? आपने कहा था वो कब्र की मिट्टी ले आओ। अभी भी ताजी ताजी मैं ये दफनाई थी, और घर वाले इधर से यहाँ से हुआ हुए हम मिट्टी निकाल के ले आए आपके लिए। किस लिए, किसने कहा था? आप ही ने
आप हमारा जान ले रही है मोहब्बत का, देखिए आपने नहीं कहा था कि कर लो पानी और कहानी, वरना मोहब्बत की कहानी खत्म। हम तो चाह रहे हैं हमारी मोहब्बत की कहानी खत्म ना हो। मैं वाकई आपकी कहानी खत्म कर दूंगी, आप बिल्कुल ही मेंटल हो गए, जाइए किसी मेंटल हॉस्पिटल अपना इलाज करवाइए। अरे आपने तो हद ही कर दी, कोई ना कोई बेवकूफी की हरकत जरूर करते हैं, और इस दफा तो आपने हद ही कर दी। कब्र की मट्टी उठा लें ठीक है से ले जाके। उसको क्या करें, इसका कब्र खोदे नहीं, उसमें लेटे कब्र डाल लें। हाँ जाए, अच्छा हम तो चले तो जाएंगे, लेकिन मट्टी डालने आप आ जाइए। मैं जरूर आ जाऊंगी और कुल भी पढ़ लूंगी आपको, चले मजा आएगा। से लोग पत्नी की मुसीबत अजीब अजीब नहीं, वो हम कबर जो है वो ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, हम थोड़ी नीचे ना बनाएंगे, बट 4 फुट की करके ना दफा हो जाए उसके अंदर। तोहफा है देश में इतना हॉरर माहौल बना के, इतनी हॉरर मूवीज वॉचेस कर रही है, प्लीज इसे स्टॉप कर दे, मैं बहुत एफरेड सो रही हूँ। अगर मैं तो मामा मुझे जान से मार देंगी, तुम जाओ जाके पार्लर में देखो कोई कुछ नहीं बनाया होगा, जाओ। कस्टमर से क्या बोलूंगी, ये मेरा यूनिफॉर्म है क्या, नहीं तुम कुछ भी कह देना, तुम बोलते जाओ कि तुम्हारे खावन में पर्दा करने के लिए कहा है। हाँ जाओ, भला कोई औरत भी किसी औरत से कंटेंस करती है, मैंने नहीं जाना। चुप करो खुद पसंद। Where you go? आप ही ने तो कहा था कि अपने गुरुजी को ले आओ, मैं अपने गुरुजी को ले आऊं, गाना सुनाओ मेरे ताकि मेरी जान छूटे। मैंने कहा था, अरे यार ये सब घर वालों को क्या हो गया, क्या इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए चंदा बाबू से लेके यहाँ से रवाना हो जाए, चला जाए यहाँ से। तुमसे तो मैं गिन गिन कर बदले लूंगी। अड्डा चंदा बाबू अड्डा, कितनी लान के देखे थे यार, ये कौन आया था। हाय आप जाके भैये आई लव यू, शोर पर लगेगा। अरे ये मॉडर्न जमाना है, किस दुनिया में हो, डायरी सफेद होगी तो अकल तो कुछ करो, बोलो आई लव यू, बोलो आई लव यू। हाँ लव लव लव, अच्छा लग रहा है। आ जाओ आ जाओ। आंटी आंटी पार्लर वाले, आंटी पार्लर वाले। अजीब पागलों से वास्ता पड़ा हुआ। कैसा मेरा फेस, पूरा मासूम सा फेस खराब हो गया, बगैर मेकअप के कैसी लग रही हूँ मैं। वो आ गए। कौन आ गए? जो आने वाले थे। अच्छा हाँ, फैंटेड मतबल पे होश पड़ा है सीढ़ियों पे, ले आ उठा के। अरे वो तो हमारे मालिक मकान है। हाँ है, और मास्टर खुजली कहाँ गया? मास्टर खुजली ने अपना मकान उनको बेच दिया, समझ गई? वो आ गए। हाँ सच्ची, तो शकीलास की बात कर रहे, शकीलास आने वाली है क्या? कौन शकीलास? वही जो हेयर स्टाइलिश है। अरे कोई हेयर स्टाइल नहीं, मेरे गुरु जी, गुरु जी। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, तेरे ये वाले गुरुज मेरे पास आएंगे। तू मेकअप था गुरु जी। आपको मैडम उस जगह गाना तो लग रहा है, सुनाऊं? हाय हाय हाय, कौन हो तुम? मेरा मतलब कौन हो तुम है? अब तुम्हारी जुरत कैसे मेरे कमरे में दाखिल होने की, निकल जाओ यहाँ से। काम करने के लिए जाओ तो कहते हैं कौन हो तुम, बस में सफर करो तो कहते हैं कौन हो तुम, इलाज कराने के लिए जाओ तो कहते हैं कौन हो तुम, बिल जमा कराने के लिए जाओ तो कहते हैं कौन हो तुम, आखिर हम जाए तो जाए कहाँ? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मौजूद रहिए, आंटी को गाना सुनाइए और मेरी जान छुड़ाइए। ए चंदा बाबू, तूने क्या ऐसे लाया तो इसे रक्षे वाला, मैंने सिर्फ किराया दिया है, जल्दी से इन्हें गाना सुनाओ ताकि मुझे मुक्ति दे दे। क्या 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 कह रहा है, क्या गाना, क्या मुक्ति, क्या बकवास कर रहा है? आप ही ने तो कहा था कि अपने गुरुजी को ले आओ, मैं अपने गुरुजी को ले आऊं, गाना सुनाओ मेरे ताकि मेरी जान छूटे। मैंने कहा था, अरे यार ये सब घर वालों को क्या हो गया, क्या इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए चंदा बाबू से लेके यहाँ से रवाना हो जाए, चला जाए यहाँ से। हमारी भी कोई जिंदगानी है, इतना जुल्म हम पर, हम जहाँ भी जाते हैं हमें कहीं इज्जत नहीं मिलती। इतना जुल्म, 500 रुपए का फ्रूट खा गई तो इतना जुल्म, चल मैं तुझे बताती हूँ चल। अच्छा दोस्त,
फिर मिलेंगे अड्डे पे। अच्छा? तुमसे तो मैं गिन गिन कर बदले लूंगी। अड्डा चंदा बाबू अड्डा कितनी लान के देखे थे यार, ये कौन आया था? हाय अरे क्या हो गया मियाँ साहब, इतनी बेरुखी भी अच्छी नहीं होती, आपने तो हमें देख के मुंह ही फेर लिया। हाँ लॉजिक से बेतकलूस ऐसे हो रहो जैसे बहुत पहले से शनासाई है हमारी। अरे भूल गए वो वक्त जब हमारे डेरे पे हारमोनियम बजाया करते थे आप। मियाँ पचपन ये काम भी कर लेते हैं आप है? नहीं असल में बात ये नहीं है चंदा बाबू, बात ये कि हम म्यूजिशियन बनना चाहते थे तो कभी कभी हम वहाँ चले जाते थे हाथ सीधा करने के लिए पेटी पे। कभी कभार नहीं, पूरे मुसलसल 10 साल तक हाथ सीधा किया इन्होंने, और जो हाथ सीधा हो गया तो उल्टे पाँव निकल लिए ही है। है नहीं बचपन तो फिर हो जाए थोड़ा सा तातिक धिन्ना तातिक धिन्ना ता ता। चंदा बाबू कुछ कसर रह गई थी, जाइए यहाँ से, वैसे मेरा सर दर्द से फटना चला जा रहा है, भेजो ने। हम समझ गए आपके सर में दर्द की वजह। क्या समझ गए आप हैं? इतने इंटेलेक्चुअल आप। भाई यही ना, आप यही समझ रही ना कि अभी मियाँ पचपन ने अपनी खबर खोद ली होगी, उसमें लेटे होंगे और मिट्टी डाली होगी और दम घुटना होगा और वो सांस उनकी नहीं थमी नहीं होगी। अल्लाह करे दम घुट ही जाए आपका, इतनी खुशफहमी वैसे क्यों है आपको, जाए यहाँ से। हम चले तो जाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि असल में हमने खबर खोद ली है, हम चाहते हैं कि आप अपने दस्ते मुबारक से उसके ऊपर मिट्टी डालिए। जा रहे हैं आपके यहाँ खड़े खड़े मिट्टी डाल दूं? तौबा है, मुसीबत है ना, क्यों आते हैं यहाँ पे। हम ये कह रहे हैं कि आ जाइएगा मिट्टी तो डाल दीजिए। मैंने कहा ना अरे जा रहे, मैं डाला हूँ मिट्टी। जा तू भी डाल, आइए। अरे मैंने नहीं पढ़ा अखबार में, ऐसी बात कर रहे बगैर पढ़े कैसे आप देख हो गया काम ये। अच्छा ये बताओ वो किराएदार को होश आया? अरे चलो उससे चल के मेरा तारुफ कराओ, बताओ मैं नया मालिक मकान हूँ, अगले महीने से मैं करा लूँ कमीशन भी मिलेगी। असल तो यही है, सुबह मुझे प्रपोज करनी थी, अभी मैं कर मतलब कह रही थी ना 2000 साल पहले मैं शहजादा था, इनका था, शादी होने वाली थी, ये बात अब मैं करूँ? क्या कहना चाह रहे? अरे भाई शादी के लिए भैया आई लव यू। ये मॉडर्न जमाना है, किस दुनिया में हो, दाढ़ी सफेद होगी तो अकल तो कुछ करो, बोलो आई लव यू, बोलो आई लव यू। हाँ लव 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 अरे भाई इनको क्यों लेकर आ गए, हमें कुछ वेल्डिंग नहीं करा। लॉजिक से हम भाई बताओ बैठिए। आप बताइए चाय पियेंगे ठंडा पियेंगे खाना खाएंगे, आखिर आप क्या करना चाहेंगे? नहीं नहीं इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं लगा रहेगा, आखिर को आप हमें किराया मना करने के लिए आया करेंगे तो आइए 100,000 दफा। नहीं 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 किराए की बात नहीं है, कोई और बात है असल में। बोलो बोलो क्यों दिल चाहे बात कीजिए। आप देखिए मकान मालिक से बढ़कर तो आगे हमारी जिंदगी में कोई है ही नहीं। लो, लो, लो। बिल्कुल बिल्कुल आपकी जिंदगी का मालिक बनने वाला हूँ। आई लव आई लव यू टू। देखिए मालिक मकान से जितनी मोहब्बत मुझे होती है ना किसी को भी नहीं होती, बल्कि मेरे बच्चों को भी, मेरी बच्ची को भी, सबको बहुत मोहब्बत होगी आपसे। नहीं उस मोहब्बत की बात नहीं कर रहा मैं, असल वाली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। तो असल ही है बिल्कुल ये। नहीं, वो नहीं समझ रही आप, जो लड़का लड़की के बीच में होती है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, जैसे कि अभी आप किराए की बात कर रही थी ना, तो ऐसा सीन कर दूंगा किराया देना ही नहीं पड़ेगा, मुझसे शादी कर लेना। आंटी पार्लर वाली, आंटी पार्लर वाली, तुझसे शादी कर लूं? पार्लर वाली, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एक्सक्यूज मी मिस बबली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोले। देखिए सुबह आपकी वालदा मुझे प्रपोज कर रही थी, मैंने बुरा लिया, अभी जब मैंने उनको प्रपोज किया तो सब लोग मिलके मुझे मार रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, जबकि मैं तो उनसे शादी भी नहीं करना चाहता। अच्छा तो फिर आप
किससे शादी करना चाहते हैं? सच पूछे तो मिस बबली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मुझसे शादी करना चाहते हैं? मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। वाकई आप भी मुझसे शादी करना चाहती हैं? कब से? 2000 सालों से। 2000 साल? 2000 सालों से? मिस बबली, मैं एक मिनट आपका चेहरा देख सकता हूँ? आंटी पार्लर वाले, 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 आंटी पार्लर वाले। हाँ, नीचे बना ले, जाके बाहर ना करके बाहर बना। आंटी पार्लर वाले, आंटी पार्लर वाले। मैं रानी, देखो मेरे हुस्न से तुम घबरा गए ना? अगर मैं थोड़ी देर याद आना तो दहशत से मर जाऊंगा। आंटी पार्लर वाले, आंटी पार्लर वाले।